अच्छे और मजेदार न्यूज हिंदी में देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में रहे बेल आइकॉन को दबा दीजिए। फिल्म दयावान के लिए फिरोज खान ने विनोद खन्ना को लीड रोल ऑफर किया। विनोद को भी काम की जरूरत थी, उन्होंने ये फिल्म साइन कर ली। फिल्म में हीरोइन का किरदार छोटा और एक वेश्या का था। इस रोल के लिए फिरोज खान ने माधुरी को साइन कर लिया। माधुरी उस वक्त स्ट्रगल कर रही थी। माधुरी ने फिल्म के लिए हाँ तो कर दी, लेकिन उनको ये मलाल था कि हीरो उम्र में काफी बड़ा है। लेकिन माधुरी को विनोद खन्ना बेहद पसंद थे, वो उनको मना नहीं कर पाई। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई, लेकिन माधुरी को क्या पता था कि इस फिल्म में उनके साथ कुछ ऐसा होगा जिसे वो भूल नहीं पाएंगी। दरअसल फिल्म में माधुरी और विनोद के कुछ इंटीमेट और लिपलॉक सीन थे। सबको लग रहा था कि शायद माधुरी ये सीन नहीं करेगी, लेकिन उन्होंने विनोद के साथ बड़ी सहजता से ये सीन दिए। इस सीन की शूटिंग के दौरान वहाँ दर्जन भर लोग मौजूद थे। सभी ने देखा कि माधुरी कितनी बेबाकी से ये सीन दे रही हैं। माधुरी पहले से ही विनोद की दीवानी थी, इसलिए उन्होंने ये सीन किया। वहीं विनोद भी इतनी छोटी हीरोइन के साथ इंटीमेट सीन करने में नहीं शर्माए। जब फिल्म रिलीज हुई तो लोगों ने सबसे ज्यादा इस इंटीमेट सीन के बारे में बात की। इतनी बातें सुनने के बाद माधुरी को भी अजीब लगने लगा था। इस फिल्म के बाद माधुरी ने फिर कभी इतने बोल्ड सीन नहीं दिए। साथ ही एक इंटरव्यू के दौरान माधुरी ने कहा था कि फिल्म दयावान में उन्होंने जो किसिंग सीन किए उसका उन्हें आज भी पछतावा होता है, लेकिन इसमें माधुरी की गलती नहीं है। विनोद खन्ना के चाम के आगे कई हीरोइनें बहक जाती थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कमेंट में अपने सुझाव दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।